यार अनंत, व्हाई सो टेंस्ड? यार आई गॉट अ न्यू जॉब बट द प्रॉब्लम इज कि अब मेरी सैलरी जो है वो टैक्स के अंदर आ गई है, तो अब जितनी भी सैलरी आए टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो पिछले और अभी के जॉब में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, बस उसी बात का टेंशन है। देखो तुम टैक्स की बिल्कुल टेंशन मत लो, सेक्शन 80C के अंदर तुम तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर तक का रिबेट ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, यूलिप, 5 ईयर्स वाली टैक्स सेविंग, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे सेविंग ऑप्शंस हैं अगर तुम इन्हें लोगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारा बहुत सारा टैक्स बचेगा, और फिर तुम देखना कि तुम्हारी पिछली सैलरी और इस वाली सैलरी में कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। बट मेरी सैलरी 7 लाख हो गई है, अब पूरे 7 लाख पे टैक्स लगेगा? और तुम टेंशन मत लो, ये पूरी तुम्हारी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी सैलरी 7 लाख है, तो 5 लाख से जितना तुम्हारी सैलरी ऊपर है यानी कि 2 लाख, सिर्फ उसके ऊपर तुम्हारा टैक्स लगेगा, सिर्फ तुम्हारी 2 लाख टैक्सेबल इनकम है। यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। एक काम करता हूँ, अभी जाके सारी सेविंग्स ओपन करता हूँ।